सद्दसार विज या विजवासी। आपने जो बुद्ध वंदना है उसके अंदर एक लाइन सुनी होगी, विज्याचरण संपन्नो लोक विदु। ये जो विज्याचरण संपन्नो आता है इसका मतलब है विज्ञा प्लस आचरण, यानी विज्ञ प्लस आचरण, और विज्ञा का जो मतलब है यहाँ पे होता है विद्या। विद्या जो बोलते हैं वो हायर एजुकेशन को बोलते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर एमए या पीएचडी या एमफिल करता है या डॉक्टरेट करता है या डॉक्टरेट इन लिटरेचर करता है या मेडिसिन में करता है, हायर जो हायर एजुकेशन होती है उसको यहाँ विद्या बोलते हैं। तो जो विद्या जहाँ लोग रहते हैं और जहाँ लोग विद्या ग्रहण करते हैं अगर वहाँ वास करते हैं तो उनको बोलते हैं विज्यवासी या ब्रजवासी या विद्यावासी। तो ब्रजवासी का मतलब हो गया विद्यावासी, और ब्रजवासी जो क्षेत्र है ये जो मथुरा नाम की यूनिवर्सिटी है जो भारत में बुद्ध समय के खासतौर से जो मौर्य काल के समय जो सबसे बड़े बड़े सेंटर थे, सबसे बड़े बड़े एजुकेशन के केंद्र थे, विद्या के सेंटर थे, विद्या के केंद्र थे, उनमें से एक मथुरा आता है जो दिल्ली के पास में पड़ता है। उस मथुरा के अंदर बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी। उस यूनिवर्सिटी में जो लोग रहने वाले थे जो बड़ी बड़ी विद्या या विद्या हासिल करते थे उनको वहाँ और वहीं रहते थे, तो उसके फेमस हो गया चारों तरफ कि ये ब्रजवासी हैं। इसलिए ब्रजवासी का जो नाम है वो बहुत फेमस है। और वाक्करण क्या होता है? वाक्करण होता है जो वाक माने बातचीत, जो बातचीत में लिप्त रहता है या बातचीत करता है। और वाक्य विहारी क्या होता है? वाक्य विहारी यानी कि वाक करने वाला ऐसा व्यक्ति जो ब्रह्म विहार में रहे या बिहार का हो, यानी कि किसी बिहार में रहने वाला हो। जैसे जितने भी आराम या बिहार बनाए बाद में जिसमें भिक्खु लोग रहते थे और भिक्खु लोग उसमें विद्या हासिल करते थे, तो भिक्खुओं को वाक बिहारी भी बोला करते थे, यानी वाक्य बिहारी भी बोला करते थे, और वो बिहार करते थे और बिहार में रहते थे। धन्यवाद।